ये है एक पॉपुलर हरियाणवी सॉन्ग दो नंबरी, जिसे यूट्यूब पर 14 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। लेकिन दो नंबरी सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग नहीं है यूट्यूब पर। बावन गज का दामन जो एक हरियाणवी सॉन्ग है, उसे 250 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं यूट्यूब पर। 250 करोड़ यानी इंडियन पॉपुलेशन से भी ज्यादा। इनफैक्ट हिंदी और पंजाबी सॉन्ग के बाद हरियाणवी सॉन्ग सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग है यूट्यूब पर। इसके बावजूद कि हरियाणा कोई बड़ा स्टेट नहीं है, हरियाणा 18th पॉपुलर स्टेट है इंडिया में। इसका मतलब ये है कि हरियाणवी सॉन्ग सिर्फ हरियाणा में नहीं, हरियाणा के बाहर भी सुने जा रहे हैं और इंडिया के बाहर भी सुने जा रहे हैं। इनफैक्ट 2014 तक कोई भी हरियाणवी सॉन्ग टॉप की लिस्ट में नहीं था यूट्यूब पर। तो हरियाणवी सॉन्ग इतने पॉपुलर कैसे हो रहे हैं यूट्यूब पर? इसके कुछ रीजंस हैं। 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इंडिया ने 101 मेडल्स और उनमें से आधे से ज्यादा एथलीट हरियाणा से, और फिर उसके बाद हरियाणवी एथलीट्स के बारे में घर घर में बातें होने लगी। और ये पॉपुलैरिटी फिर पहुंची कई बॉलीवुड प्रोड्यूसर के पास, जो हरियाणा के कल्चर से काफी इंप्रेस हुए। उसके बाद काफी मूवी रिलीज हुई, तन्नू वेड्स मन्नू, दंगल और काफी टीवी सीरियल्स भी रिलीज हुई, जिसकी वजह से हरियाणवी कल्चर पूरे इंडिया में फैल गया। और फिर उसके बाद हरियाणवी आर्टिस्ट को पता चला कि अब उनकी ऑडियंस छोटी नहीं है। और फिर उसके बाद हरियाणवी म्यूजिशियन अजय हुड्डा और अंजलि राघव ने एक सॉन्ग रिलीज किया, बुलेट बॉडी, और ये गाना काफी पॉपुलर हुआ यंग ऑडियंस के बीच। और इस गाने की सक्सेस के बाद अंजलि राघव ने एक और गाना रिलीज करने के बारे में सोचा, चुटकी बजाना छोड़ दिया, और ये गाने यूट्यूब पर वायरल हो रहे। और इन्हीं सब को देखकर बाकी हरियाणवी प्रोड्यूसर ने भी अपने चैनल लॉन्च किए, जैसे नव हरियाणवी, केसी रिकॉर्ड्स, मोर म्यूजिक्स और भी बहुत सारे। और आज ऐसी कंपनीज को 10 करोड़ व्यूज इजीली मिल जाते हैं यूट्यूब पर। और दूसरा जो रीजन है वो ये है कि तो हरियाणा के अंदर दो फोक आर्ट फॉर्म्स है, थोड़िया और राग, और ये दोनों ही रूरल एरिया के अंदर एक बहुत अहम हिस्सा निभाते हैं। थोड़िया को लड़कियां परफॉर्म करती थी लड़कियों के सामने, लड़कियां ही लिरिक्स लिखती थी और लड़कियां ही उन पर डांस करती थी, और ये प्रोग्राम पब्लिक में नहीं होते थे, ये बंद कमरों में होते थे। और वही रागमी बिल्कुल उल्टा है, रागमी में लड़के परफॉर्म करते थे लड़कों के सामने, कई बार लड़के लड़कियों की तरह ड्रेस अप करते और परफॉर्म करते थे। और इन गानों का फायदा भी था, क्योंकि हरियाणवी समाज काफी कंजर्वेटिव था और इन दोनों आर्ट फॉर्म की वजह से लड़कों और लड़कियों को इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी हरियाणवी समाज में। और अब जो नए आर्टिस्ट आए, उन्होंने पुराने आर्ट फॉर्म्स को रीपैकेज कर दिया यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर, जहां वो करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब ये गाने बंद कमरों में नहीं रहते, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर करोड़ों व्यूज लाते। अब इस वीडियो को देखो, आपको दिखेगा कि बैकग्राउंड और आर्टिस्ट का रहन सहन काफी रिलेटेबल है। जैसे पॉपुलर आर्टिस्ट सपना चौधरी, रेनू पनवार अपने स्टेज प्रोग्राम्स में सिंपल ड्रेस में ही रहते, टीवी शोज और न्यूज प्रोग्राम्स में भी वो हमेशा ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनते, और इन्हीं सब चीजों की वजह से आर्टिस्ट और ऑडियंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। और इन गानों की थीम भी बहुत रिलेटेबल है। और अब इस सबसे फायदा क्या हो रहा है, इन सॉन्ग्स ने फीमेल आर्टिस्ट को एक बढ़ावा दिया है, फिर वो चाहे सपना चौधरी हो या फिर रेनू पनवर या फिर और कोई आर्टिस्ट, वो सभी हरियाणा में उभर कर आए हैं। जैसे सपना चौधरी जो एक टाइम में लोकल डांस परफॉर्मर थी और आज वो यूट्यूब के सुपरस्टार में से एक है। और इन गानों की वजह से हरियाणवी राइटर, प्रोड्यूसर, सिंगर्स को एक फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी मिली है। और अगर आप हरियाणवी है तो आपको प्राउड फील करना चाहिए कि यूट्यूब की वजह से आपका कल्चर फैल रहा है। पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जब कोई कल्चर बहुत ज़्यादा फैलता है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, तो हमें इन गानों को सेलिब्रेट भी करना चाहिए और क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ में बहुत हेल्प होगी। और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके हरियाणवी गाने फेवरेट हैं।